बड़े मियाँ छोटे मियाँ के बारे में बात करते हैं दोस्तों। एक ऐसी फिल्म जिसको लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, क्या ये लोगों के मन में, मतलब एक तरीके से जो एक्साइटमेंट थी, क्या उस एक्साइटमेंट को इसने पूरा किया या नहीं? ऑनेस्ट रिव्यू रहेगा यार मेरा, इट्स नॉट लाइक कभी बायस्ड, मुझे पसंद नहीं चीज़ें, जो भी सच है वो सच है। बट एक बात ज़रूर कहूँगा, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो क्लाइमैक्स, यहाँ पे कोई स्पॉइलर नहीं आएगा लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि, मतलब स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, डोंट वरी, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पे, उससे कई गुना आगे ये फिल्म, क्योंकि इसका जो राइटिंग है ना, बेहतरीन। पूरा क्रेडिट जाता है भाई डायरेक्टर को, क्योंकि रिटन एंड डायरेक्टेड बाय अली अब्बास जफर, एंड द कैरेक्टर्स, अक्षय कुमार सर और टाइगर श्रॉफ का जो कैरेक्टर है ना भाई, ये आपको हाई लेवल, मतलब मैं कहूँगा कि इनको ऐसी फिल्में दो ना भाई, ऐसी ही फिल्में वो डिज़र्व करते हैं। सिर्फ एक्शन, और वो भी रियलिस्टिक एक्शन यार, कितने सालों बाद कोई बॉलीवुड में रियल एक्शंस के साथ आया है यार, कोई बॉडी डबल नहीं, कोई झमेला नहीं, रियल एक्शन यार। और ये नहीं कि भाई सिर्फ एक्शन, फिल्म के स्टोरी बहुत, काफ़ी हद तक जिस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आपको बांधे रखते हैं ना, वो भी बहुत अलग है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो है कि भाई इन एक्टिंग भी नहीं, मतलब एक्शन भी नहीं भाई, इनकी जो एक्टिंग है, वो जो स्किल्स, वो काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि मनुषी अलाया, उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, बट पृथ्वीराज, ही नेल्ड दैट कैरेक्टर। सोनाक्षी ब्रिलियंट, अक्षय सर, टाइगर श्रॉफ वेरी नाइस। कुछ ऐसे भी सरप्राइजेस आपको देखने को मिलने वाले हैं ना दोस्तों, कि इट्स लाइक कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते हो कि यार ये भी तो हो सकता था, पर कभी समझ में नहीं आया ये चीज़ तो यार। और देखो भाई, सबसे इम्पोर्टेंट बात, द टेक्नोलॉजी, जिस तरीके से AI टेक्नोलॉजी का इन लोगों ने इस्तेमाल किया है भाई, मज़ा आ गया। इट्स लाइक कि आई थिंक बॉलीवुड, बॉलीवुड की तरफ से तो पहली बार ऐसी फिल्म, बॉलीवुड क्या है, मैं तो बोलूँगा पूरे भारत में, क्योंकि इसका, और जो लोग बोल रहे थे भाई ये थोड़ा रोबोट जैसा नहीं क्या बन जाएगा, रोबोट 2.0 ऐसा वैसा, अक्षय सर उसमें भी थे, अरे उसका इसका क्या लेना देना है, वो बहुत अलग फिल्म थी, ये अलग है। AI टेक्नोलॉजी जिस तरीके से अभी बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये कितनी डेंजर भी बन सकती है, मतलब ये ऑब्वियसली आगे चल के तो ऐसा आप कह सकते हो कि भाई ऐसे ऐसे ही कुछ युद्ध वगैरह होने वाले भाई आगे चल कर, अगर कभी कुछ होगा तो, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल हो सकता है आगे चल के। कौन कौन हो सकता है, कौन विलन होगा जो आपके बाजू में भी अगर होगा तो आपको नहीं पता चलेगा भाई। तो कहने का मतलब यही है कि भाई बड़े मियाँ छोटे मियाँ, एक मतलब बोलते हैं ना कि एक तरीके से धमाका है, स्टेडियम बन जाता है भाई थिएटर। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि इट्स नॉट ओनली 3D, IMAX में देखो, मज़ा आएगा। थोड़ा महंगा होता है पर भाई क्या है, दो, मैं तो पहले भी बोल चुका आपको बाय द वे, आइदर IMAX में या फिर सिंगल स्क्रीन पे देखो, मज़ा आता है। और 3D में देखोगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि भाई देयर आर, देखो 8 से लेके 9 अगर आपको एक्शन सिक्वेंसेस देखने को मिलेंगे ना 3D में, आप बहुत ज़्यादा इन्जॉय करो, मेरा ये मानना। IMAX 3D में देखो यार, तो मज़ा आता है भाई। और या टाइगर श्रॉफ के भी बारे में अगर मैं बात करूँ, इट्स हिज बेस्ट परफॉर्मेंस मेरे अकॉर्डिंग। या वॉर में भी उसका बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस था, पर फिर भी एक्टिंग वाइज भी बोल रहा हूँ मैं, एक्शन तो भाई वो अच्छा ही करता है अक्षय सर, तो भाई एक्टिंग भी अच्छी करते हैं, एक्शन भी अच्छे करते ही है, लेकिन जो लोग बार बार टाइगर को टारगेट करते, उनको मैं बोलूँगा कि बंदे ने भाई सम हाउ नहीं बल्कि कई हद तक उन लोगों को जवाब दे दिया है भाई। और एक बहुत अच्छी मास एंटरटेनमेंट विथ सम ट्विस्ट एंड टर्न्स, ये सब प्लॉट एंड जो प्लॉट जिस तरीके से एंडिंग की है फिल्म की, ये भाई जो फिल्म देखेगा वो उसका तो पैसा वसूल है भाई। और थिएटर के लिए भाई ये, कोई अगर आप वो OTT वगैरह का वेट कर रहे हो, नहीं नहीं भाई 2 महीना रुको बाद में, वो मज़ा नहीं आने वाला है भाई। ये फिल्में ऐसी बहुत ही साल में इक्का दुक्का आती है, और वो भाई अगर वो भी मिस करोगे मज़ा नहीं। और यहाँ पे मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, सिर्फ एक्शन नहीं है, कुछ ऐसा भी है जो इट्स लाइक कि आप सोचोगे कि यार नहीं ये तो नहीं सोचा था। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आई होप कि मैंने स्पॉइलर फ्री बहुत अच्छा दिया रिव्यू।